देखो बच्चों, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? दोबारा से आज जानते हैं और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, किसी एक कंडक्टिंग वायर के अंदर, जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन रैंडम होता है। इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, समझ रहे हो बच्चों? किसी भी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है, अगर आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, एक डेफिनेट फिक्स डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, ऐसे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कोई डाउट? कोई डाउट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन वायर में भागते हैं, वायर में ट्रेवल करते हैं, ऐसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों, हमें ये पता करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। किसी वायर के अंदर एवरेजली इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे या स्लो भागेंगे, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, एक तरीके से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसके अंदर ये आता है कि लेट अस टेक इन इनिशियली इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, ठीक है, रैंडम मोशन में मतलब ऐसे ही, कोई इधर जा रहा है, 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 इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है? रैंडम है, ठीक है। तो जब रैंडम मोशन है बैटरी कनेक्ट करने से पहले, तो सभी की जो वेलोसिटीज है उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। बट जैसे ही आप उससे बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे हैं, सारी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इधर नेगेटिव या पॉजिटिव, समझे? समझे बच्चों? समझे? अब ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ये क्या रहेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब बात ये आती है कि पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं बैटरी लगाने से पहले, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे एक एक्सेलरेशन लगने लग जाती है, एक फोर्स लगने लग जाता है। कौन सा फोर्स लगता है, कौन सी एक्सेलरेशन लगती है? फोर्स ड्यू टू फील्ड लगता है। ड्यू टू फील्ड किसकी फील्ड? बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डेवलप हुई? बैटरी की वजह से हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से डेवलप हुई? बैटरी की वजह से हुई। तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F=qE, ठीक है। ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और अगर देखा जाए तो F=, चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे -E। समझ में आया बच्चों? तो बच्चा बताएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E क्यों लिया? नेगेटिव होता ना, वही वही नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E होता है, तो फोर्स ये हो जाएगा
और अगर एक्सेलेरेशन निकालनी है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। इलेक्ट्रॉन पे कितनी एक्सेलेरेशन लग रही होगी इसी टाइम पर, एक्सेलेरेशन हो जाएगा ई बाय एम। समझे नहीं समझे? बहुत अच्छा, समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा केस आ जाता है। खैर हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें अब हम एक केस लेते हैं। जैसे जैसे अगर आप बैटरी लगाओगे, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर यू है तो बैटरी लगाने की वेलोसिटी उसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यू वन से वी वन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगने लगेगा और चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, सभी वेलोसिटी का एवरेज होता है, सभी वेलोसिटीज की का एवरेज होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक वायर के अंदर, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो आप हाँ यहाँ पर वी को यू प्लस ए टी लिख सकते हो। कैसे? हमने सीख रखा है। कोई अच्छा होता है वी इक्वल टू वी को यू प्लस ए टी क्यों लिख सकते हो? आते जाएंगे ऐसे करके और एन नीचे आ जाएगा। अब क्या करो बच्चे, इसको आप U वालों को सेपरेट कर लो, U वालों को सेपरेट कर लो, U जितने भी आएंगे सबको सेपरेट कर लो। क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस UN और AT1 AT2 इनको सेपरेट कर लो और अपॉन में N आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों इस एसोसिएट? कोई डाउट बच्चों बोलो सर। एक कॉमन ले लेते ना सर। अच्छा बोलो। एक कॉमन ले लेते ना। हाँ अच्छे, बताते हैं ले लेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये तो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि इनिशियली सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम होते हैं, इनिशियली सभी वेलोसिटीज का देखो ऊपर दे रखा है, वेक्टर एडिशन जीरो होता है। बट अब थोड़ी सी कहानी अदुप सी हो जाती है। अच्छा यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन सा जाएगा। ये तो जीरो हो गया, क्या आया इससे? क्या होता है बच्चे, ए कॉमन ले लो इस वाली इक्वेशन में, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस ऐसे करके बाय एन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अब ये क्या है, ये है क्या, इसके बारे में जानना पड़ता है। ये है क्या, क्यों है, क्या है, इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है जो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन भागेगा, स्पीड बढ़ेगी, बट फिर टकरा जाएगा, उस टाइम में टकरा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक रेंज में स्पीड गेन करते हैं, उनकी स्पीड एक रेंज में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कम स्पीड थी, बड़ी, टकराने से फिर कम हो गई, फिर बड़ी, टकरानी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो आपको जान के बहुत अजीब सा लगेगा, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। इस सब को हटा के हम एक टर्म डिफाइन करते हैं टाउ, और उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या होता है बताता हूँ, जो सभी बिल्कुल आराम से सब कुछ बताता हूँ, होता क्या बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एक ही कहानी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलता है, स्पीड बढ़ती है, टकरा जाता है, कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर टकरा जाता है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर टकरा जाता है, फिर कम हो जाती है। बट कुछ कुछ देर में इलेक्ट्रॉन टकराते ही रहते हैं, टकराते ही रहते हैं, और उनकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो खैर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और ये T1 प्लस T2 प्लस ये है क्या? अभी बच्चों की बात ये आती है कि ये है क्या। देखो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ, इसे कहते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन,
एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते हैं, भागते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, फिर टकरा जाते हैं, तो एवरेजली इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में टकरा रहे हैं, इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहे बच्चों? जैसे मान लो एक वायर है, इसमें रिलैक्सेशन टाइम 2 सेकंड है, इसका क्या मतलब है बच्चों? कुछ होता है इसका क्या मतलब है? वो 2 सेकंड बाद दोबारा किसी हर दो दो सेकंड में टकराए जा रहे हैं एक दूसरे से। मतलब हर इलेक्ट्रॉन तो नहीं, बट एवरेज भी देखा जाए तो एवरेज भी 2 सेकंड में इलेक्ट्रॉन टकराया जा रहा है, ठीक है? तो कितने सेकंड में उसकी स्पीड गेन हो पा रही है? बस 2 सेकंड तक स्पीड गेन कर पा रहे हो, उसके बाद उसकी स्पीड फिर से वैसी हो जा रही है, ठीक है? ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो अब खैर जो भी है, बट इस दौरान वो कुछ स्पीड गेन भी कर रहा है और उसके बाद टकराने का स्पीड लॉस भी कर दे रहा है वो, और ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, स्पीड गेन का, स्पीड लॉस का। तो यहाँ पे अच्छे ये टर्म रिप्लेस हो जाती है और ये आ जाता है VD इज इक्वल टू ए टाउ। और अच्छे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, ये हैक हुआ क्या, ये कैसे हुआ, क्या चक्कर है ये? देखो यार, एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ना तो डेफिनेट होती है, वैसे ही डेफिनेट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो चलता ही रहेगा, एक 6 से चल रहा है चलता ही रहेगा। एक तो सभी की वैसे ही डिफरेंट है और टाइम वेरिएबल भी है और हमें उनका एवरेज लेना है, उसके हिसाब से ऐसा सा फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास PD इज इक्वल टू ए टाउ, जिसमें हमें टाउ टर्म यूज़ करनी पड़ती है, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये फिक्स्ड है, ये कॉन्स्टेंट होता है। अब इसमें एक खास बात है बच्चों, आमतौर पर जैसे कोई भी इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू यू प्लस AT, मान लो कोई बॉडी रेस्ट से चालू हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो V इज इक्वल टू AT हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आप जज करो तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। हमें मतलब एक्सेलेरेशन हो रहा है तो जैसे टाइम है, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये मानते हो नहीं मानते अच्छे? अगर कोई इक्वेशन है V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो क्या ये इक्वेशन क्या एक्सप्रेस कर रही है? बोलो अच्छे, बोलो। V इज इक्वल टू इतने टाइम बाद उसका एक्सेलेरेशन होके इतनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे V इज इक्वल टू AT कोई ये यू प्लस AT कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन सजेस्ट करती है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ टाइम, क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही, हमेशा टाइम घटता तो है नहीं, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। बट यहाँ एक अजीब सी चीज़ है, इस इक्वेशन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ टाइम होने के बावजूद भी यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ इसे रिलैक्सेशन टाइम कह दिया और ये फिक्स्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम तो फिर भी बढ़ता है, बट रिलैक्सेशन टाइम वाली अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ आमतौर पर किसी चीज़ पर एक्सेलरेशन हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बट एक्चुअली क्या है, एक्सेलेरेशन के बाद फिर से ब्रेक लग जाए तो फिर उसकी स्पीड फिर से 0 हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अनलिमिटेड स्पीड गेन हो जाएगी। आमतौर पे किसी बॉडी पे एक्सेलेरेशन लगती रहे और वो रुके ना, तो वो अनलिमिटेड स्पीड, इनफाइनाइट स्पीड गेन कर सकता है। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो। समझ गए सर। देखो अच्छे सर, एक बार बताना सर, ये कांस्टेंट वाला जो सीन बताते हैं अच्छे। देखो, कोई बॉडी है उस पर एक्सेलेरेशन लग रही है, उस पर कोई उस पर रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा, मतलब रुकने का चांस नहीं, तो वो भागती जाएगी, रुकेगी नहीं वो बॉडी। बट अगर किसी बॉडी पे मान लो रिटार्डेशन लग रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि भले ही इक्वेशन ऐसी दिख रही है, बट ये यहाँ पे ये टी नहीं है, ये टाउ है, और ये टाउ टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करे, फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाती है किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए। देखो, आमतौर पे किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए छोड़ दो और उस पर ब्रेकिंग ना हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ती ही जाएगी, ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चे, बोलो भाई, बोलो। अरे भाई, कोई है? यस सर, ऐसा ही होगा, नहीं होगा? यहाँ नहीं है ऐसा, बताओ क्यों? यहाँ स्पीड बढ़ती नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बढ़ती जाएगी? तो कर्नल से टकराते रहेंगे ना, टकराते रहेंगे, इस वजह से स्पीड, ऐसा नहीं कि बढ़ती जाए, इस वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। तो ये है अच्छे। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाली थी,
ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर से क्या आई थी, ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस ई इनटू ई बाय एम, ई ई बाय एम यहां पुट कर दो, माइनस ई ई बाय एम टाउ, एम इनटू टाउ, ठीक है ये आ गया समझे? यस सर। ये आ गई इक्वेशन हमारी, तो अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, हम ये जानते हैं डिफरेंशियलिटी की इक्वेशन हमारे पास आ गई, इससे हमें क्या पता चलता है, देखो एक तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो मास पे डिपेंड करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन का मास हम चेंज नहीं कर सकते हमारे हाथ में, चार्ज पे डिपेंड करेंगे ये भी हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या क्या चीजें हैं, हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैसे छेड़ सकते हैं, दो तरीके से, एक फील्ड से और एक रिलैक्सेशन टाइम से, कोई बच्चा बताएगा कैसे, अगर मैं चाहता हूँ किसी वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से चले मैं क्या कर सकता हूँ अपने तौर से, अपनी टाउ एवरेज कम कर दो, रिलैक्सेशन टाइम कम कर दें, मतलब बढ़ा दें या कम कर दें, कम कर दें, कम करने से यार ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा सर, बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा दिया जाए इसका क्या मतलब है, कोई अच्छा बताएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाया जाए तो डिफरेंशियलिटी बढ़ेगी, इसका क्या मतलब है सर? यस सर बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो ज्यादा मतलब टाइम लेगा, ज्यादा टाइम में टकराएगा दूसरे, कोलिजन होगी ज्यादा टाइम में, रिलैक्सेशन टाइम बढ़वाने से फायदा है क्या ये बताओ सर, टाउ बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो इतनी जल्दी टकराएंगे नहीं, मतलब रिलैक्सेशन टाइम मतलब टकराने जल्दी नहीं टकराएंगे, जल्दी नहीं टकराएंगे तो ज्यादा स्पीड खींच पाएंगे, मान लो हम लक्ष्मी नगर की रेड लाइट से गुजरते हैं, देखा होगा आपने लक्ष्मी नगर की रेड लाइट आ जाती है, फिर V3 की रेड लाइट आ जाती है, फिर P2 की रेड लाइट आती है, अब जितनी जल्दी जल्दी हम रुकेंगे उतनी हम एवरेज स्पीड हमारी कम होती जाएगी, और अगर मान लो रेड लाइट होती नहीं सीधे सीधे रूट होता तो हम जल्दी भाग जाते, तो यही अच्छे जितना टाइम हमारा ज्यादा होगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम हमारा ज्यादा होगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएंगे नहीं, जल्दी जल्दी कॉलिजन नहीं होंगे, आराम से दूर दूर पे जाके कॉलिजन होंगे देरी में, उतनी हम स्पीड गेन कर पाएंगे, समझे अच्छो, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएं, ये कैसे बढ़ाते हैं हम आपको बताएंगे, टेम्परेचर से एसोसिएशन होता है रिलैक्सेशन टाइम का, हम करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करके हम रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, चलो ऐसे बता ही देते हैं अच्छो, जैसे टेम्परेचर का बहुत बड़ा फर्क होता है रिलैक्सेशन टाइम पे, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कॉलिजन बढ़ेंगे या घटेंगे? सब बढ़ जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन बुरी तरह से टकराएंगे, कॉलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा घटेगा? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, घटेगा मतलब कम, घटने मतलब कम, जल्दी जल्दी कॉलिजन होंगे तो कम टाइम में होंगे कॉलिजन, कम टाइम में होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा टाउ घट जाएगा तो डिफरेंशियलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ड्यूट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, समझे, ड्यूट वेलोसिटी घट जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है जल्दी टकराने लगेंगे इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड गेन ही नहीं कर पाएंगे, टकराने टकराने में लगे रहेंगे स्पीड तो गेन कर ही नहीं पाएंगे, चलते जाएंगे टकराते जाएंगे जल्दी जल्दी टकराते जाएंगे, सर इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी ना, लेकिन स्पीड बच्चे देखो यार एक्चुअली क्या होता है कि जितनी दिक्कत ना कॉलिजन की होती है उसकी वजह से स्पीड खींच नहीं पाते इलेक्ट्रॉन, मतलब बढ़ा नहीं पाते, वो जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही टकरा जाएंगे, फिर जैसे ही बढ़ेंगे ऐसे में क्या है, जैसे मान लो आप निकले, जैसे निकले फिर रेड लाइट, फिर निकले फिर रेड लाइट, फिर निकले फिर रेड लाइट, तो क्या आपकी एवरेज स्पीड अच्छी रहेगी या बेकार रहेगी? बेकार, बेकार रहेगी, ऑब्वियसली बात है एवरेज स्पीड बेकार, बिल्कुल बेकार रहेगी, समझे नहीं समझे बात को, तो यहाँ पे भी यही अच्छी कॉलिजन तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, टेम्परेचर को अगर जैसे आपसे कोई कहे मैं चाहता हूँ मेटल है मेरा, मैं चाहता हूँ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भागे, तो आप क्या क्या सजेशन दोगे? अगर गर्म कर दूंगा मैं तो, गर्म कर दोगे तो स्पीड से भागेंगे सर, ठंडा कर देंगे सर, क्या करना है, नहीं भगाना, तेज ही भगाना, ठंडा ठंडा तेज भगाना है, अच्छे इलेक्ट्रॉन को तेज भगाना है, टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो कॉलिजन घट जाएगा, कॉलिजन घट जाएगा तो आराम आराम से कॉलिजन होंगे, रिलैक्सेशन टाइम
बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे नहीं समझे? पर सर बढ़ाएंगे अगर हमेशा बढ़ाते हैं तो उसमें वो नहीं बढ़ते इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करते फिर। मूव तो जल्दी जल्दी करेंगे अच्छे, बट आपस में टकराएंगे ना जल्दी, फिर वो टकरा जाएंगे। हमें तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वायर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, बट तक मूव करते करते रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो भिड़ जाएंगे उल्टा। रैंडम जैसे टेम्परेचर के साथ रैंडम मोशन एसोसिएटेड होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडम मोशन होने लग जाएगा उल्टा उनका, मतलब ज्यादा स्पीड से रैंडमली मूव करने लग जाएंगे, इधर उधर डेविएट हो जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उल्टा कॉलिजन बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी, स्पीड बढ़ेगी उनकी, थर्मल स्पीड बढ़ेगी, बट वो आगे नहीं चलेंगी, आगे बढ़ने वाली स्पीड नहीं बढ़ेगी उनकी। समझे बात? ये नहीं समझे? यस सर, समझ गए। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, गर्म देशों में लोग लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे देख लो इंडिया अफ्रीका। समझे अच्छे? यस सर। आप ऐसे कहोगे गर्म गर्म देश के लोग तो मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं उससे क्या हुआ बताओ, कोई फायदा? भिड़ते रहते हैं अंदर अंदर, भिड़ते रहते हैं। अच्छा गर्म देश के लोग होते समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं होते, ये समझदार हैं सब कुछ है, बट फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं गर्म देश के लोग, क्योंकि वो भिड़ते रहते हैं आपस में, इसलिए सक्सेस नहीं मिल पाती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी। अच्छे चलो आगे बढ़ते हैं, क्या समझ गए होगे आप अब तक तो ये एक्सप्रेशन होता है। अच्छा अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे हमारा एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और हमने इसको लिखा ई ई टाउ बाय एम, तो कई बार पूछा जाता है कि इस नेगेटिव का क्या मतलब है यार। इलेक्ट्रॉन का साइन, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, क्या मतलब है? बोलो भाई क्या मतलब है? कोई बच्चा? डायरेक्शन से है कुछ लेना देना? डायरेक्शन से बच्चे बिल्कुल लेना देना, बिल्कुल सही। देखो जैसे ये है हमारे पास कंडक्टिंग वायर, तो ये हमारा ये सर। मैं बताऊं सर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो डिनोट कर देना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, क्योंकि फोर्स उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। हां अच्छा देखो जैसे ये है, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हिस्सा पॉजिटिव हो गया, ये हिस्सा नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है फील्ड के अपोजिट है, इस अपोजिट टू फील्ड। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो सर। नो सर, ये नो डाउट सर, ये अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अच्छे नोट्स हमारे। सर बोलो, अच्छे बोलो। जो मैं परसों पूछ रहा था, आप आज पढ़ाओगे? हाँ अच्छे पढ़ाएंगे, बट मैं उसका डायरेक्शन वगैरह नहीं कराना चाहता हूँ, छह सिलेबस हट गया, मैं भी देखता हूँ, देखना है करंट एक्सेट से क्या क्या हटा है। आपने भेजा ना मुझे? ओम सर देख, नहीं वैसे हटाया तो नहीं है। चलो कलर कोड खैर कोई फायदा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देखो अच्छी लिखी हुई है, पढ़ सकते हो आप इससे, दिया हुआ है एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन साइड अ कंडक्टर, ये दे रखा है ठीक है। अब एक रिलेशन दिया बच्चों, ये मैं डेरिवेशन आपको बाद में कराना चाहूंगा, बट पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओम ने ये पूछा था इसका डेरिवेशन कैसे आया, डेरिवेशन बच्चे बहुत अजीब सा होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों होता क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपके हिसाब से क्या होगा बच्चे? जैसे
ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागेंगे तो करंट पे क्या असर होना चाहिए? करंट भी ज्यादा तेज हो जाएगा, ज्यादा फ्लो कर जाएगा। क्यों 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 भाई? इलेक्ट्रॉन को फ्लो को तो जल्दी जाएंगे तो अभी फ्लो करंट पे। तो हां मैं भी ये समझता हूं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खैर इसकी डायरेक्शन अभी नहीं देख रहे बच्चे, बट फिर भी तो इसका एक एक्सप्रेशन आता है बच्चों। मैं पहले आपको एक्सप्रेशन समझाऊंगा, डेरिवेशन बच्चे मैं अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। किस किस फैक्टर पे करंट डिपेंड करता है किसी भी वायर में? यहाँ पे क्या क्या चीज क्या क्या है? यह है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है कोई बच्चा बताएगा? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर के होते हैं वो भाग के बाहर आ जाते हैं, ऐसे बाहर निकल आते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर आ गए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई डाउट? नो सर। फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आगे क्या है बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हो उतने अच्छे। क्यों ऐसा क्यों सर? ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे। अब जैसे गली मोहल्ले में खाली बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब अगर खेलना कूदना है आपको, आपके गली मोहल्ले में अगर पड़ाकू बच्चे हैं तो दिक्कत है। घूमने वाले बच्चे तो अच्छे लगते हैं, किसी किसी गली मोहल्ले में ऐसे ही होता है सारे बच्चे घूमने वाले होते हैं, सब दोस्त हो जाते हैं। जैसे हमारे लक्ष्मी नगर के एरिया के आसपास जो साईं बाबा के मंदिर है ना, उस साइड ईस्ट गुरु अंगद नगर पड़ता है, वहाँ पे बच्चे जो है सब सबका गुट बना हुआ है। कोई है अपने से भी ईस्ट गुरु अंगद नगर का, साईं बाबा के मंदिर के पास का? खैर आप में से किसी कोई नहीं है अभी फिलहाल शायद, वहाँ मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट पढ़ाया था, गुट बना हुआ है, सारे बच्चे फ्रीली घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मजा है, उनके लिए कंडक्शन होता है, सब घूमते फिरते हैं। समझे बच्चों? तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना फायदा है, कंडक्शन अच्छा होगा। जैसे मेटल्स हैं, मेटल का एन ज्यादा होता है, एन ज्यादा होता है। बोलो बच्चे। सर स्कूल वाली मैडम कह रही थी कि मेटल में लगभग मतलब इनफाइनाइट, मतलब बहुत चार्ज भी होते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, काफी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्री होता है और इनफाइनाइट। लेकिन जैसे सोडियम मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे तो होते हैं, होते हैं अच्छे होते हैं, मतलब मेटल्स में ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन एक गिवन वॉल्यूम में बहुत होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा तो करंट अच्छा होगा। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरा एरिया, एरिया का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है करंट पे। बताओ चे क्यों? एरिया ज्यादा होने से क्या फायदा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, रेजिस्टेंस कम लगेगा। एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया मिल पाएगा चार्ज के फ्लो के लिए, तो अच्छी बात है। रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। तीसरा आखिरी, तो ये चार चीजें। अब इसका डेरिवेशन होता है। खैर बच्चों मैं अभी फिलहाल डेरिवेशन बताना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ बाद में कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा अभी आप लोगों को, बहुत परेशान से हो जाओगे, तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा। ऑल दो मेरी अगर वीडियो देखोगे जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है बोर्ड वाली, तो उस पर आपको दिख जाएगा डेरिवेशन, बट फिलहाल अच्छा मैं अभी बाद में कराऊंगा। इस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैं ले रहा हूँ इधर आपका, देखते हैं कितने अच्छे कर पाते हैं। ये एक वायर है, इसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। सुन रहे हो बच्चों कैसी वायर है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ का एरिया है A1, यहाँ का एरिया है A2। ये वन रीजन है, ये टू है। किधर करंट ज्यादा होगा, वन में या टू में? अगर करंट यहाँ से आया टू में। एक ही वायर है, ये सर्किट से कनेक्टेड है, इससे कहाँ करंट ज्यादा होगा? टू में सर। सेम होगा बच्चे, एक वायर में करंट हमेशा सेम रहता है, वन टू में कहीं ज्यादा कम नहीं होता है, ध्यान रखना। जितना करंट बैटरी से निकल गया ना उतना ही जाएगा, उससे कम ज्यादा नहीं जा सकता।
जितना निकला उतना होगा, निकला अगर आई निकला है पूरी पूरी सर्किट में आई करंट होगा, सीरीज है ना बच्चे पूरा। बोलो भाई बोलो, नहीं समझ में आया? यस सर। यार ये देखो, भले क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दूसरा कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, वन पे या टू पे? बोलो बच्चों, कोई बच्चा आप? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंडेंस होना करती है। बिल्कुल सही बच्चे, दिखते हैं। बताओ आपको क्या लगता है? अच्छा आपने पता है पाइप में